तुम्हाला खूप भाषा येत असते. तुम्ही मराठवाड्याचे आहे म्हणजे मेरू तेलुगु अटा. मीरू चप्पंडि नेनु एक्कडि नुंचि वच्चानु. आमी कोलकाता मानुष. आमार बांग्ला मिष्टी और कविता खूप भालो लागे. शहंशाह अकबर और राजा बीरबल अक्सर भेस बदलकर अपने सल्तनत का मुआयना करते थे. एक दिन जब वो शहर के बाजार से गुजर रहे थे, बीरबल कितना खूबसूरत कालीन है वो. जी काफी खूबसूरत है हुजूर. चलो जाकर पूछते हैं कि वो कितने में बेच रहा है. सलाम जनाब, वो नीला कालीन कितने का है? ओ माशाल्लाह, कोमरी अरिशकन शाह काबुल. बीरबल, ये आदमी क्या कह रहा है? कौन सी जबान में बात कर रहा है ये? मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ हुजूर. जनाब, हम जानना चाहते हैं कि वो नीले रंग का कालीन आप कितने में बेच रहे हो, कितने का है? ओ माशाल्लाह, इन कब्र शाम शमार कान इज मंसब शान. ये क्या बोल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अब रुकना बेकार है, चलो वापस. रहने दीजिए जनाब, हम किसी और रोज आएंगे खरीदने. बड़ी अजीब बात है ये. हम इस सल्तनत पर हुकूमत कैसे कर सकते हैं अगर हमें लोगों की भाषा ही ना आए? हुजूर, मेरे पास एक सुझाव है. क्यों ना हम एक ऐसे आदमी को हमारे दरबार में रखें जो कई जुबान बोलता हो और उसे हमारे राज्य की शाही दुभाषा भी बना ले. ये तो बड़ा अच्छा सुझाव है बीरबल. इसीलिए हमने एक ऐसे आदमी को जो कई भाषाओं का जानकार हो अपने दरबार में नियुक्त करने का फैसला किया है. सुखदेव सिंह जी, ऐसे आदमी को ढूंढने का काम हम आपको सौंपते हैं. हुजूर, आप इत्मीनान रखें, मैं राज्य का सबसे बेहतरीन बहुभाष्य ढूंढ लूंगा. जहां पना, मैंने राज्य का सबसे बेहतरीन बहुभाष्य ढूंढ लिया है. वो कई भाषाएं सफाई और आराम से बोल सकता है. आदाब जहांपना, मेरा नाम बाहरी है और मैं 10 अलग अलग भाषाएं बोल सकता हूँ. आपके इस काम के लिए मुझसे बेहतर आदमी नहीं मिलेगा हुजूर. तो फिर ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम कहाँ के रहने वाले हो और ये भी बताओ कि तुम्हारी मातृभाषा क्या है. जहांपना, आपके दरबार में काफी ज्ञानी लोग मौजूद हैं और क्योंकि आदमी की जबान उसकी असली पहचान है, क्या इस दरबार में कोई आपके सवाल का जवाब दे सकता है? ठीक है, हम अपने मंत्रियों को इसका जवाब देने को कहेंगे. सुखदेव सिंह जी, पहले आप बताइए. तुम्हाला खूप भाषा येत असतील, पण माझ्यासारखी मराठी तर बोलून दाखवा. साहेब, तुम्ही मराठवाड्याचे आहे म्हणजे फक्त तुम्हाला मराठी येत असेल असं नाही ना. मीरू तेलुगु अटा. मीरू चप्पंडि नेनु एक्कडि नुंचि वच्चानु. मीरू गुंटूरु नुंचि वच्चारु कदा. आम्ही कोलकाता माणूस. आम्ही जाणते चाहिजे तुम्ही बांगलार कोथा थेके एसेचो. आमार बांगला मिष्टी और कविता खूप भालो लागे. আমি যে কোনো দিন বাঙালি হতে চাইব. জাপনা, হমনে এসে কই ভাষাও মে সবাল কিয়ে হ্যাঁ আর হর ভাষা পর ইসকি জানকারি বিনা কিসি শক কে বেহতরিন হ্যাঁ হম অব ভি ইসকি মাতৃভাষা নহি জান পায়ে হ্যাঁ.
तुम्हारा क्या ख्याल है बीरबल? तुमने कुछ नहीं कहा अब तक। क्या तुम बाहरी की मातृभाषा पता लगाने की कोशिश नहीं करोगे? हुजूर, मुझे कल तक का वक्त दीजिए, मैं तब तक आपके सवाल का जवाब पता लगा लूंगा हुजूर। ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास कल तक का समय है, हम जवाब जानने को बेचैन रहेंगे। शुक्रिया जहापना। तो बीरबल, क्या तुम्हारे पास हमारे सवाल का जवाब है? क्या तुम ये पता लगा पाए कि बाहरी की असली मातृभाषा क्या है? जी हुजूर, पता लगा लिया है। तो बताओ बीरबल, बाहरी की मातृभाषा क्या है? जहांपना, बाहरी की मातृभाषा बांग्ला है। अरे बोलो बाहरी, क्या बीरबल सही है? बिल्कुल सही जहांपना। शाबाश बीरबल, अब हमें ये बताओ कि तुमने बाहरी की मातृभाषा की जानकारी कैसे पाई? जी हुजूर, कल रात मैंने अपने नौकर को बाहरी के कमरे के पास जाकर जोर जोर से आवाज करने को कहा। जब वो सो रहे थे, मैं बाहर इंतजार कर रहा था। कुछ कोशिशों के बाद बाहरी चिल्लाते हुए बाहर आए। दर्द, आश्चर्य और गुस्से के वक्त इंसान हमेशा अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करता है, इसलिए जब मैंने उसे बांग्ला में चिल्लाते हुए सुना, तब मैंने ये गुत्थी सुलझा ली। मैं बाहरी से कल रात उसकी नींद खराब करने के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं राजा बीरबल, आप सचमुच इस राज्य के सबसे चतुर और ज्ञानी आदमी हैं। शाबाश बीरबल, शाबाश। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया।